कर दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनेटिकल सॉन्ग का फिर स्वागत करता हूँ। आज जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तीन स्विच, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, तीन सॉकेट, इसके साथ इंडिकेटर का। इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें इसके जगह मैंने फ्यूज का यूज किया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फ्यूज की जगह हम इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं। और इसका देखिए सेम डायग्राम मैं स्टेप से बनाया हूँ। एक इंडिकेटर है, फिर एक स्विच, फिर एक फाइव पिन सॉकेट, फिर एक स्विच, फिर एक फाइव पिन सॉकेट, फिर एक स्विच। तो इस हिसाब से क्या, इसमें मैंने तीन स्विच, तीन फाइव पिन सॉकेट और एक इंडिकेटर का यूज किया। तो इसका वायरिंग किस स्टेप से होगा, ठीक है। इस तो बोर्ड बनाना है मुझे, वायरिंग करनी है, तो वायरिंग इस टाइप किस टाइप से होगा तो वो देख लेते हैं। तो जहाँ वायरिंग का बात आएगा हमारा, ठीक है, तो इसमें फ्यूज है नहीं, ठीक है, फ्यूज नहीं है। तो क्या होगा, हमें लाइन का जरूरत कहाँ कहाँ है, हमें स्विच के सारे नीचे टर्मिनल और इंडिकेटर, ठीक है, जो हमारा इंडिकेटर होगा, इंडिकेटर में भी हमें ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से वायरिंग हमारा आएगा। एक यहाँ इंडिकेटर में ज़रूरत है, फिर एक स्विच में ज़रूरत है, फिर इस स्विच में ज़रूरत है और इस स्विच में ज़रूरत है। तो हमारा जो फेज का वायर आएगा, जो हमारा लाइन का वायर रहेगा, वो हमारा इन चार, ठीक है, इन चारों में शूट करेगा, ठीक है। एक इंडिकेटर में करेगा, एक स्विच के नीचे टर्मिनल, इस स्विच के नीचे टर्मिनल, इस स्विच के नीचे टर्मिनल में, ठीक है। इसके बाद कहाँ का करेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना, एन आर एल, तो इस पोर्शन में आपका एन यहाँ होगा, एल यहाँ होगा, ठीक है, समय से ही सेम होगा। तो हमारा जो लाइन का वायर होगा सेम यहाँ से शूट करेगा, आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा लाइन का जो है वायरिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका न्यूट्रल का जरूरत हमें कहाँ क्या है, न्यूट्रल का जरूरत हमें यहाँ पड़ेगा, इस जगह पड़ेगा और इस जगह पड़ेगा, और साथ में हमें यहाँ पड़ेगा। तो हमको न्यूट्रल यहाँ एक ज़रूरत पड़ेगा, एक ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, एक ज़रूरत पड़ेगा हमें यहाँ पे, और एक ज़रूरत पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। हमें न्यूट्रल जरूरत कहाँ कहाँ पड़ा, एक दो तीन और एक चार, जो हमारा न्यूट्रल का वायर आएगा, ठीक है, हम उसको इसमें इंक्लूड कर देंगे। जो न्यूट्रल का रहेगा वो कहाँ कहाँ जरूरत है वो मैं बता दिया, ठीक है। यहाँ एक हमें देना है न्यूट्रल, यहाँ देना, यहाँ देना, यहाँ देना, और न्यूट्रल को हम कंट्रोल करते नहीं साथ में। बाय द वे, इसमें अगर बॉडी अर्थिंग आपका वायर आया होगा तो बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन हमारा कहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। अगर बॉडी अर्थिंग का वायर आपका में आया है, ठीक है, अर्थिंग वायर है आपका में, तो इन सब में जाएगा, ठीक है, सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में। ये सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल जो दिखा रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ हमारा इन्वर्टर ही जाएगा। अगर साथ में इन्वर्टर का वायर है, अगर बाय द वे इन्वर्टर का वायर आया, तो आपको एक चीज़ करना है, जिस जगह, जैसे इस जगह हमको इन्वर्टर का कनेक्शन देना है, मैं तो इन्वर्टर कनेक्शन का वायरिंग अभी नहीं करूँगा, ठीक है। बाय द वे अगर इन्वर्टर, ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ ये इन्वर्टर का वायर आया हुआ है, तो हमको क्या करना है, हमको ये स्विच में हमको इन्वर्टर का वायर कनेक्शन करना है। तो लाइन और इन्वर्टर दोनों चले, तो इस जो वायर जो दिए उसको आप खोल देना, आपको इस वायर को हटा देना है, ठीक है, जो हमारा लाइन के थ्रू आ रहा है, इस जगह आपको इन्वर्टर का वायर को ला देना है, तो आपको इन्वर्टर कनेक्शन होगा। पर फिलहाल हम इन्वर्टर कनेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका वायरिंग हम करते हैं। तो स्विच हमारा एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक इंडिकेटर, तो इन चारों जगह शूट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक लूप बना लिया था मैंने, ठीक है, जितना जल्दी हो इसके रीजन से, मैं यहाँ पे एक डाल, यहाँ जाएगा सेम, जितने स्विच के नीचे वाला टर्मिनल में ही हमारा मेन इन करेगा, ठीक है। और आप लोगों को मन में कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। कुछ टाइम लगता है, गिने का वीडियो मैं नहीं दे पाया, ठीक है, मुझे भी ख़राब लगता है उन लोगों का वीडियो नहीं दे पाया, पर कुछ प्रॉब्लम होता है इसी के चक्कर में मैं नहीं दे पाता, ठीक है, अदरवाइज देने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच में मैंने दे दिया, साथ में मुझे इसमें देना है, ये हमारा इंडिकेटर में, तो हमने इंडिकेटर में भी इसका कनेक्शन दे दिया, ये हमारा हो गया। तो हमारा जो मेन था वो हमने स्विच में दे दिया, स्विच सब में दे दिया, ठीक है, और साथ में इंडिकेटर में भी हमने दे दिया इस जगह पर, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें शॉर्ट कराना है इससे, इस सॉकेट को हमको स्विच से कंट्रोल करना है, इस सॉकेट को स्विच से, इस सॉकेट को स्विच से। तो इसके लिए मैं छोटा डोलूप ले लेता हूँ और इसका कनेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा सेम, हमको यहाँ पे भी करना है,
एक यहाँ पे करना है, और इसका जो वायर आएगा हमारा यहाँ पे इन करेगा, और एक वायर और ले लेते हैं हम, ठीक है, एक छोटा सा और लूप ले लेते हैं। इसका जो कनेक्शन होगा ये हमारा इस स्विच से इसके लिए होगा, ये हमने दे दिया स्विच का, ठीक है। तो जो हमारा मेन लाइन का जो कनेक्शन था वो हमने पूरा कर दिया। अब हमका जरूरत है न्यूट्रल का, न्यूट्रल कहाँ का, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा हमारा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। सिम देखिए, न्यूट्रल हमारा यहाँ जरूरत था, यहाँ जरूरत था, यहाँ जरूरत था, यहाँ जरूरत था, इसी हिसाब से बोर्ड देखने से हो जाता है, पर हम ऐसे काम करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो हमें एक न्यूट्रल यहाँ देना है, एक यहाँ देना है, एक यहाँ देना है, एक यहाँ देना है, तो इसके लिए मैंने लूप बना लिया था। तो हम क्या करते हैं, पहले इस जगह दे देते हैं एक न्यूट्रल का वायर, इसके साथ हमें देना है इस जगह पे, फिर देना इस जगह पे, ठीक है, और देना है किस जगह पे। तो इसका हमारा जो न्यूट्रल का काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बॉडी रेथन का वायर मैं नहीं डाल रहा, ठीक है। बॉडी रेथन का अगर आपके पास घर में वायर आया हुआ है तो बॉडी रेथन का एक वायर यहाँ पे आएगा, एक वायर यहाँ पे आएगा, एक वायर आएगा, जैसे न्यूट्रल हमने शॉर्ट कराया सेम इस टाइप से वो शॉर्ट रहेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमारा तो वायरिंग कंप्लीट हो गया, तो हमको फेज, ठीक है, फेज हम जो इन कराएंगे वो हम यहाँ भी इन करा सकते हैं, 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 ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, फेज यहाँ पे डालेंगे, इस ये स्विच में हमारा लाइन का वायरिंग हुआ है तो फेज का वायर हम यहाँ डालेंगे, न्यूट्रल का वायर यहाँ डालेंगे, तो हमारा सारा हम सप्लाई कर जाएगा। तो इसके लिए मैं ये लाल वायर को मैं फेज के तरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब फेज का वायर हमारे नीचे टर्मिनल में स्विच के सारे, तो हम यहाँ पर इन करा के देखते हैं इसको, ठीक है, कि हमारा वायरिंग सही है कि नहीं है। मन में छोटा से छोटा कुछ भी आपके मन में कन्फ्यूजन होता है यार, कमेंट करो, ठीक है, कि मैं भी इंसान हूँ, उससे भी कुछ गलतियाँ होती है, तो अगर कुछ गलती मेरे से भी हो रही है तो आप मुझे बताएं कि मैं उसे सुधार कर सकूँ, ठीक है। आपके चुप रहने से शायद और किन्हीं को भी गलत जानकारी मिल जाए, अगर आपके पास कुछ सही जानकारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें भाई, ठीक है। ये मैंने न्यूट्रल का वायर भी डाल दिया, तो हमारा फेज न्यूट्रल दोनों दे दिया मैंने, क्या किया यहाँ पे फ्रिज का वायर डाला, यहाँ न्यूट्रल का वायर दिया, कोई दिक्कत नहीं कि सप्लाई तो हमारा सब में हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके मैं बगल वाले बोर्ड में मैं अपना डाल लेता हूँ, तो ये इंडिकेटर हमारा चला, जहाँ तक उम्मीद है ये हमारा कनेक्शन सही हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए टेस्टिंग होल्डर का यूज करते हैं, इसे चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये स्विच को हम पहले ऑफ कर देंगे, और तो ये हमारा कनेक्शन सही है, ये भी सही। जैसे हम लास्ट वाला में आते हैं, ठीक है, लास्ट वाला का स्विच ऑफ था, अब इसको हम ऑन करते हैं, तो ये भी हमारा जल रहा है, ठीक है। तो जितना स्विच सॉकेट था हमारा वर्क कर रहा है, आपको रियल में किस टाइप से वर्क होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये फ्यूज है, फ्यूज में जो लाल वायर है वो मेन में गया है, ठीक है, और नीचे वाला ब्लैक न्यूट्रल है, तो इस दोनों को हम जलाएंगे तो ये दोनों जलेगा, ठीक है। अब ये फेज वायर के साथ न्यूट्रल वायर आप कहीं भी जलेगा जलेगा, देखिए न्यूट्रल वायर यहाँ भी आया हुआ है, तो हम इसे यहाँ भी देंगे तो जलेगा, यहाँ भी देंगे तो जलेगा, और यहाँ भी देंगे तो जलेगा। सेम न्यूट्रल के साथ नीचे जितना भी स्विच में हमने मेन का सप्लाई किया है, ठीक है, जितना भी स्विचेस में मेन का सप्लाई किया हम यहाँ से यहाँ भी देंगे तो ये बल्ब हमारा जलेगा, ठीक है, बल्ब उधर चल गया हमारा, ठीक है। ये तो हम कहीं भी देंगे, इसे यहाँ यहाँ भी देंगे जलेगा, नीचे में भी देंगे तो जलेगा, ऊपर जहाँ स्विच ऑन है वहाँ जलेगा, जहाँ स्विच ऑफ है वहाँ नहीं जलेगा, ठीक है। यहाँ जैसे स्विच ऑफ होगा तो यह नहीं जल रहा, तो हम देख लेते हैं, ये हमारा ऑफ है, ठीक है, ये हमारा ऑफ है, ऑन रहता जैसे अभी हम ये ऑन कर दिए, तो अभी क्या है, अब हम इसको ऊपर वाले टर्मिनल में भी हम सटाएंगे तो ये हमारा जलेगा, ठीक है। तो इजी सा थ्योरी है, ठीक है, चलिए धन्यवाद।